किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है, हमारे लिए हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है, हम सबका पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है, उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जरनैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ही यहीं पे सोए हैं। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स, सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द समाधान। किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां बीमारियों का खतरा भी बढ़ता गया है। एक तो कोरोना, उस पर से जगह जगह गंदगी का ढेर, कचरे का ये ढेर किसानों के लिए कई नई मुसीबत न बन जाए। कहीं कूड़े का ढेर जमा है, कहीं गंदे पानी से मच्छर पनपने का डर है, कहीं खुलेआम कचरा फेंका हुआ है, तो कहीं अव्यवस्था की झलक दिखाई दे रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीर उन जगहों की है जहां देश का अन्नदाता धरने पर बैठा है। चौंका देने वाली ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की जगहों से आई है। सर्दी की ठिठुरती रात में जहां एक तरफ किसानों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लगातार 20 दिनों से जारी धरने के बीच गंदगी से भी दो चार होना पड़ रहा है। बॉर्डर पर न पूरी तरह से टॉयलेट्स की व्यवस्था है, न पानी का इंतजाम है, न सफाई, और तो और हर तरफ गंदगी का अंबार है। देखो तुसी आ पानी देखो, इहदे विच मच्छर उड्डी जांदा उपर, डेंगू का बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता। जिहड़ियां इह टॉयलेटां ने इन्हां दे विचों पीण वाला पानी यूज करते हैं, पानी नहीं है, सफाई नहीं है कोई।